हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी का लेसन नंबर 6 सुबह वो पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। अब ये लेसन है ना, एक उसमें करिश्मा करके लड़की है जिसको पोलियो हुआ है, जो अपना काम बखूबी करती है। उसको पोलियो हुआ है बावजूद वो घर के सारे काम भी करती है, बाहर के काम भी करती है, अपने भाई की भी उसने जान बचाई। ऐसे अपने सारे काम कैसे करती है, जिंदा दिली एवं परिश्रम से करती है। ठीक है, तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। अब सुबह जब रेशमा उठती है तो उसने क्या देखा कि घर के सारे मेंबर, सारे जो लोग हैं ना, वो सफाई काम करने में बिजी है। कोई सामान झड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। अब कोई क्या कर रहा था, कोई सामान झड़ रहा है, मीन्स सामान अलग निकाल रहा था, तो कोई मकड़ी के जाले, मीन्स घर में जो जाले रहते हैं ना स्पाइडर के, वो निकाल रहा था। तो रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है, सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। अब रेशमा उसकी माँ से क्या पूछती है कि माँ आज कोई खास बात है, सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या, पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। अब माँ ने क्या आंसर दिया कि हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या तुम, पहले साफ़ सफाई की जाए तो अच्छे से त्यौहार का आनंद ले सके और माने ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल पे ऐसे सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम बुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। रेशमा क्या बोलती, ओ अरे मैं तो एकदम बुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने तो मुझे कोई काम सौंपा नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। तो रेशमा की माँ क्या बोलती है, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं, मैं अभी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। अब माँ क्या करती है कि वो क्या कहती है कि जा तुम पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुझे काम बताती हूँ। रेशमा ने रुआन से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर कर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच कर रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। अब रेशमा की माँ क्या कहती है, रेशमा पहले क्या बोलती है रुआन से स्वर में, एकदम बड़ी आवाज़ में, मदद तो मैं करूँगी ही, मैंने तो इसकी मम्मी क्या बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच के रखे हैं, पहले नहा धोकर तू नाश्ता कर ले फिर बताऊँगी। कहते कहते रेशमा की माँ ने क्या किया, रेशमा को ये वाली उसकी व्हील चेयर है ना उस पर बिठा दिया, और रेशमा ने क्या किया, जो इसकी पहिए वाली है टायर वाली कुर्सी है ना, उसको धीरे धीरे धक्का लगा के अपने दैनिक में जो डेली उसके काम रहते हैं उसमें लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। अब जब रेशमा 5 साल की थी ना तब उसके दोनों पैर क्या कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। उसे तब क्या हुआ, तो बहुत तेज बुखार था और उसके घुटनों से नीचे के जो दोनों पाँव थे ना वो एकदम क्या हो गए थे, बेजान हो गए थे। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई
उसे पोलियो हो गया था। उसके मम्मी और पापा ने उसका बहुत इलाज करवाया, फिर भी उसकी पैरों में जान आई नहीं और उसको पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। अब रेशमा कैसी थी लड़की? बहुत हिम्मत वाली थी। शुरू शुरू में उसे दूसरों की मदद सहायता में मदद लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की वो हो गई है। उसकी उम्र कितनी हो गई है? 11 साल की। तो अब वह सारे काम अब स्वयं करती है, अपने आप करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वो उसका कुछ भी काम हो तो वो अपने परिवार के कोई भी सदस्य पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, मीन्स वो अपना काम खुद ही करना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं। परिवार की सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादा जी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। अब परिवार के जितने भी सदस्य थे ना, कौन कौन थे? उसके पापा, उसको छोटा भाई गोलू, उसकी दादी, दादा, वो सब उसे क्या करते थे? बहुत प्यार करते। वो सबकी कैसी थी? आंखों का तारा थी। आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यार होना। सबको रेशमा कैसी थी? बहुत प्यारी थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। अब माँ ने क्या कर दिया था? रसोई घर में, किचन में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतल वगैरह सब क्या नीचे उतार कर उसे साफ कर दिया था। उन्होंने फिर रेशमा को आवाज़ दी, बुलाया कि रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ, काम में मेरी मदद करो। हाथ बटाना मीन्स काम में मदद करना। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तब तो रेशमा क्या बोलती है? हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है और जो तूने दूध का मेवे वाला दलिया बनाया था ना, वो बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची और फिर उसने क्या किया? रेशमा ने माँ को बर्तन और डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर दिया और माँ को पकड़ाती गई और माँ ने उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई और रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। ठीक है, पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा था। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग थे। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। अब रेशमा के जो पिताजी थे ना, वो ऑफिस चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने थे इसलिए ज़रूरी सामान चाहिए था, पर गोलू बहुत छोटा था। दादा और दादी कैसे थे? बुजुर्ग, बूढ़े थे, इसलिए सामान कौन लाए, ऐसा प्रॉब्लम था। तो माँ परेशान थी। तो रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा क्या कहती है? सामान मैं ले आती हूँ, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। उसकी माँ क्या पूछती है? तुम ले आओगी? माँ ने पूछा, ऐसा पूछा। तो रेशमा क्या बोलती है? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो मैं लाई हूँ। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता मीन्स मक्कमता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हो। अब तो ठीक है करके रेशमा सामान लेने चली गई, लेकिन ध्यान से जाना सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान पर ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी।
उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे, एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। अब थोड़ी देर बाद गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक दिन शाम को रेशमा का घर दियो से एकदम प्रकाश से दियो के प्रकाश से झिलमिलाने लगता है, जगमगाने लगता है, और पूरा मोहल्ला भी जगमगा रहा था। तो जहाँ रोशनी ही और वहाँ पे सारी रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन और क्या आसमान। तो दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले का और जीत पर अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। अब उस दिन क्या हुआ था, दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो राम ने रावण को युद्ध में हराया था, इसलिए दिवाली मनाई जाती है, उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। ये दादी जी जो सारी बातें कर रही थी ना, वो रेशमा और गोलू ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद सब ने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। कुछ देर बाद क्या होता है, सब मिलकर भगवान जी की पूजा करते हैं और फिर प्रसाद सबने खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। अब गोलू क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न में बिजी हो गया, मशगूल हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। अब इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था ना, उसी पटाखे में क्या हो रहा था, चिंगारियाँ निकल रही थी। तो गोलू की पीठ उसके जो पटाखा था ना उसके पीछे थी, तो उसे समझ में नहीं आया। तो रेशमा चिल्लाई कि गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों की शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई, बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। पटाखों के सिर में क्या हुआ, जो रेशमा ने गोलू को आवाज़ लगाई ने वो सुनाई देती नहीं है। अब बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी जो अपनी व्हीलचेयर है ना वो धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची और उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। उसने गोलू को क्या किया, जोर से धक्का लगाया और खुद वो चेयर लेकर आगे निकल गई। पर कुर्सी की गति बहुत फास्ट थी तो धड़ाम से वो गिर गई और जोरों का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। ये रेशमा की जो फुर्ती थी ना, उसे गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। अब धमाका हुआ ना, उसकी व्हीलचेयर गिर गई, तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके माता पिता दोनों बाहर चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। अब कैसे गिरे कि कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं है लगी रेशू। अब पिताजी ने क्या, कुर्सी सीधी कर दी और रेशमा को ऊपर बिठा दिया और माँ भयभीत थी, डर गई थी वो, और बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू।
रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। अब रेशमा ने क्या जो भी पूरी घटना हुई ना वो सबको बताई, तो सबने क्या किया रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। अब उसका भाई गोलू आता है और नाटकीय ढंग से मिस ड्रामा करके वो बोलता है, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। अब सब ये गोलू ने बोला ना कि दीदी तेरा धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, तो सब लोग क्या करते हैं खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। और रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतने ही जिंदा दिल और परिश्रमी से अपना जीवन जी रही है। रेशमा कैसे अपना जीवन आज भी जी रही है, जिंदा दिली और परिश्रम से। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। उसकी हर सुबह कैसी होती है, नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। ठीक है, थैंक यू।